और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से आरएलडी सपा गठजोड़ का यहां पर कमाल देखने को मिला है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरएलडी ने कब्जा कर लिया है। बीजेपी की हर कोशिश बागपत में धड़ाम दिखाई दी, यहां पर बीजेपी की हर कोशिश फेल होती दिखाई दी। आरएलडी की ममता किशोर को 12 वोट मिले और उन्हें विजयी घोषित किया गया है। बीजेपी उम्मीदवार को मात्र 7 वोट मिले। एक वोट मतदान के दौरान कैंसिल हो गया था और जब मतदान हो रहा था तो मौके पर काफी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। कभी बीजेपी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे तो कभी आरएलडी और जयंत चौधरी के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। साथ ही साथ सपा और अखिलेश यादव की जिंदाबाद के भी नारे लगाए जा रहे थे। तो बागपत में आरएलडी सपा के गठजोड़ का कमाल देखने को मिला है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरएलडी का कब्जा हो गया है। हर कोई जानना चाहता है कि आरएलडी ने और सपा ने मिलकर कैसे काम किया और किस तरह से इसे जीत में तब्दील किया। इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रताप आर्या फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे हम जानते हैं कि आखिर किस तरीके से सपा और आरएलडी ने अपने फेवर में बदला और कैसे इसे जीत में तब्दील किया। प्रताप जी, मेरा पहला सवाल यही है कि शासन और प्रशासन सरकार की तरफ दिखाई दे रहा था और ऐसी कड़ी चुनौती में कैसे सपा आरएलडी ने इस जीत को हासिल किया? जी वहां पर मैं आपको बता दूं, बागपत में आज सुबह से ही जिला पंचायत चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल था जी। लेकिन बागपत प्रशासन ने इस वक्त शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर पुख्ता इंतजाम बागपत में किए हुए थे। 10 थानों की फोर्स वे कंपनी पीएससी को बागपत में तैनात किया गया था, जिसको लेकर बागपत में जो चुनाव हुए बड़े निष्पक्ष रूप से और बड़े शांतिपूर्ण से चुनाव संपन्न हुए, जिसमें रालोद प्रत्याशी ममता किशोर को 12 वोट मिले जबकि भाजपा प्रत्याशी बबली देवी को 7 वोट मिले, जिसमें एक वोट निरस्त जो बता रहे हैं कि प्रशासन एक वोट निरस्त हुआ है। चुनाव जीतने के बाद रालोद खेमे में बड़ी खुशी की लहर है जी। प्रताप जी, शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जोड़ तोड़ कर रही है और बीजेपी यहाँ पर नतीजों को प्रभावित कर सकती है, क्या उस तरीके का कुछ माहौल दिखाई दिया? नहीं सर, मेरे को बता दूं इस तरह कोई माहौल बागपत में दिखाई नहीं दिया। जीतने के बाद जब मीडिया से रूबरू हुए तो जो जिला पंचायत अध्यक्ष बागपत में निर्वाचित है जय किशोर ने कहा कि इसे पत्रकारों को मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि 29 तारीख को जो उन्होंने उस फर्जी ममता किशोर के फोटो खींचकर वायरल किए उससे मेरे चुनाव को बल मिला है और मैं मीडिया को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। प्रताप जी, जिस तरीके के हालात अभी मौजूदा स्थिति दिखाई दे रही है बागपत में, आपको क्या लगता है कि इन नतीजों के आने के बाद ये नतीजे क्या आगामी विधानसभा चुनाव पर भी असर करेंगे, और अगर असर करेंगे तो क्या असर होगा? जी जी, इसका बिल्कुल असर आने वाली विधानसभा चुनाव में होने वाला है, क्योंकि बागपत में यदि हम जो ग्राउंड में रिपोर्ट हम कर रहे हैं देख रहे हैं कि जो महंगाई व जो किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव की बार क्षेत्रीय जनता पर पड़ रहा है और जनता चाह रही है कि बार भाजपा को वो गद्दी से उतार दे और नहीं किसी भी पार्टी को लेकर आए जी। तो आरएलडी का माहौल, आरएलडी सपा का गठजोड़ का माहौल वहां पर बागपत में किस तरीके का दिखाई दे रहा है और ये जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के नतीजे आने के बाद की स्थिति क्या है? जी इसका इसके बाद लग रहा है कि अब की बार जो विधायक बागपत में 3 विधानसभाएं हैं, अब की बार तीनों विधानसभाओं पे अब की बार राष्ट्रीय लोकदल व समाजवादी पार्टी के गठबंधन के विधायक बनने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी इस तमाम जानकारी के लिए।